हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया पर मिलियनेयर और बिलियनेयर तो इलोन मस्क और जेफ बेजोस के रूप में मौजूद हैं, जो कि दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं। पर दुनिया का सबसे पहला ट्रिलियनेयर कौन होगा, और भारत को पहला ट्रिलियनेयर कब मिलेगा, और पहला इंडियन ट्रिलियनेयर कौन होगा? तो चलिए आपको बता देते हैं। मेरा नाम है सैम, आप देख रहे हैं थिंक फैक्ट्री, लेट्स बिगिन। दुनिया का पहला ट्रिलियनेयर वो होगा जो AI यानी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इंटरनेट की दुनिया में चीजों को आसान बनाएगा, जैसे कि जेफ बेजोस। अमेज़न द्वारा डेवलप किया गया AI अमेज़न एलेक्सा इस रेस में सबसे आगे है। अमेज़न का AI आपके बाइंग बिहेवियर को आपसे ज्यादा जानता है, ये क्रिटिकल डेटा को एनालाइज कर सकता है और काफी एडवांस है। और जेफ बेजोस की संपत्ति इस टाइम $144 बिलियन है, और इनकी संपत्ति में पिछले 5 साल की एवरेज बढ़ोतरी 37% है। इन आंकड़ों के हिसाब से अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस की बढ़ती हुई संपत्ति 37% की दर से बढ़ती रही, तो इसको देखते हुए 2026 तक जेफ बेजोस दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बनेंगे। मतलब 62 साल की उम्र में जेफ बेजोस $1 ट्रिलियन यानी के $1,000 अरब के मालिक बन जाएंगे। और इंडिया को पहला ट्रिलियनेयर 2033 में मुकेश अंबानी के रूप में मिलेगा। मुकेश अंबानी दुनिया के 5वें ट्रिलियनेयर होंगे। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल थिंक फैक्ट्री को सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, और लाइक और शेयर करना ना भूलें।